क्या आपके पास भी भारतीय स्टेट बैंक का कोई खाता है? अगर हाँ तो ये खबर आपके काम की है। SBI अकाउंट होल्डर्स को अक्सर बैंक की ओर से OTP और सर्विस की जानकारी देने के लिए मैसेज भेजे जाते हैं, लेकिन इसका फायदा फर्जीवाड़ा करने वाले लोग भी उठाते हैं। वो कई फर्जी टाइप के मैसेज ग्राहकों को भेजते हैं, जहां एक लिंक दिया जाता है। ग्राहक गलती से या जल्दबाजी में उस पर क्लिक कर देते हैं, जो देखते ही देखते उनका अकाउंट खाली हो जाता है। हाल फिलहाल में भी कई लोगों को SBI की ओर से फोन पर इसी तरह का एक मैसेज मिल रहा है। अब इसके लिए सरकारी एजेंसी PIB ने फैक्ट चेक किया है। PIB फैक्ट चेक ने SBI के जिस मैसेज के बारे में जानकारी दी है, उसमें कहा गया है कि SBI खाता धारक अपना SBI योनो अकाउंट ब्लॉक हो गया है। इसी के साथ SMS में एक लिंक भी दिया गया है। PIB ने अपने फैक्ट चेक में बताया है कि ये एक फेक मैसेज है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दावा किया गया है कि योनो खाता ब्लॉक बैन हो गया है। PIB का कहना है कि जिस भी ईमेल या SMS में आपके बैंक डिटेल्स मांगी जाएं, उसका जवाब ना दें। दूसरा, अगर आपको इस तरह का कोई भी SMS मिले तो उसकी सूचना तत्काल report.phishing@sbi.co.in पर दें। SBI की ओर से अपने ग्राहकों को इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजा गया है, ना ही बैंक की ओर से SMS या ईमेल पर ग्राहकों से बैंक खाते की जानकारी मांगी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 डिजिटल। We'll be right back.